नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और रैपिड सीरीज आपके एग्जाम में, जैसा कि अभी 23 तारीख का पहला शिफ्ट था, 23 तारीख के पहले शिफ्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो हो ना हो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं कई कई महत्वपूर्ण देशों की, जो आपके एग्जाम में अगर देखा जाए ना, तो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो जो एग्जाम में आपके लगातार पूछा जाएगा, जो उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस होगी, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हुए चलेंगे, और वो आपकी जो रेखाएं होंगी उन रेखाओं से लेकर के क्वेश्चंस आपके जितने बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहां पर रैपिड सीरीज में कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में सफलता के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इससे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप में आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न बनता है, इन आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा से अगर प्रश्न बनता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं जो समांतर रेखा है, वो 17वीं समांतर रेखा किस देश की सीमा को विभाजित करती है। तो यहां पर जो आपका जवाब आएगा वो जवाब आपका क्या आना चाहिए, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करने का काम करता है वो 17वीं समांतर रेखा करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा सी, आपका उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बारे में। चलिए 20वीं समांतर रेखा, कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो 20वीं समांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो 20वीं समांतर रेखा आपके लीबिया और सूडान के बीच में आपका क्या करता है, ये आपका लीबिया और सूडान को अलग करने का जो काम करता है वो 20वीं समांतर रेखा करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अगर 22वीं समांतर रेखा की मैं बात करूं तो 22वीं जो समांतर रेखा है वो आपके मिस्र और सूडान के बीच में। देखिए मिस्र और सूडान, सूडान से आप कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आपकी 20वीं पूछे तो लीबिया और सूडान से है, और अगर आपका 22वीं पूछे तो मिस्र और सूडान से है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 25वीं समांतर रेखा, 25वीं समांतर रेखा की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फोर में, तो 25वीं समांतर रेखा जो है वो मारिटानिया और माली के बीच में क्या है, ये आपका इन दोनों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31वीं समांतर रेखा, अगर मैं 31वीं समांतर रेखा के बारे में बात करूं तो 31वीं समांतर रेखा जो है वो आपके ईरान और इराक के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, यानी ईरान और इराक के बीच में आपसे पूछे तो वो जो आपकी रेखा है वो रेखा आपकी 31वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा, कई एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो 38वीं समांतर रेखा आपके उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में आपका जो संबंध बताता है वो आपके उत्तर और दक्षिण कोरिया का संबंध आपका बताता है कौन सा, तो ये बताता है आपका बी, सही जवाब आपका उत्तर और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। बात करते हैं आपके 49वीं समांतर रेखा के बारे में। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में अगर कोई सीमा बनाती है तो वो आपके 49वीं समांतर रेखा होती है। ठीक है, डुरंड लाइन पता ही है आपको, ध्यान रखेंगे जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये अभी मैं बात करूंगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की जो सीमा बनाती है वो डुरंड लाइन कही जाती है, लेकिन वो एक्चुअली में पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची जाने वाली रेखा है डुरंड लाइन, ध्यान रखिएगा ये सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, हिंडनबर्ग, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में मैं बात करूं तो हिंडनबर्ग किसके बीच में है, तो पोलैंड और जर्मनी के में कौन सी आपकी रेखा है, तो हिंडनबर्ग लाइन है, ध्यान रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, आपको पता है ये बात भी। ठीक है, आपका मैजीनॉट रेखा के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, मैजीनॉट रेखा किनके बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी आपकी मैजीनॉट रेखा होती है, ध्यान रखिएगा। मैनरे राहिम, अगर मैं बात करूं मैनने राहिम लाइन जो है आपका ये किन किन के बीच में है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं बात करूं तो रूस और फिनलैंड के बीच में अगर कोई रेखा है तो वो आपका मैनने राहिम रेखा जो है आपका ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। चलिए बात करते हैं ओडरनीस लाइन के बारे में। ओडरनीस लाइन किन देशों के बीच में है, ओडरनीस लाइन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ओडरनीस लाइन आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ध्यान रखिएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेडक्लिफ लाइन, जाहिर सी बात है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ध्यान रखिएगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इसमें जो रेखा खींची गई थी, पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान,
यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो आपका था बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान आपका पाकिस्तान आज का। ध्यान रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान भी आपके रेडक्लिफ लाइन के अंदर आता है, इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिगफ्रिड लाइन, यही आपका एग्जाम में पूछा था, सिगफ्रिड लाइन के बारे में आपसे पूछा था एग्जाम में, ये सिगफ्रिड लाइन आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लू लाइन जो है आपके किन देशों के बीच में है, ब्लू लाइन अगर मैं 16 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, तो ब्लू लाइन जो है आपके लेबनान और इजराइल के बीच में आपका ब्लू लाइन है, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करता हूं मैं, ग्रीन लाइन ऑन यूएन बफर जोन, जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन लाइन किसके बीच में है 17 नंबर के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे साइप्रस आपका जो रिपब्लिक है और जो आपका टर्की साइप्रस है उनके बीच में आपका क्या है ये रेखा है 17 नंबर क्वेश्चन में, ग्रीन लाइन। ठीक है, यूएन बफर जोन भी कहा जाता है उसे। यूएन रूस और चीन के बीच में, जो रूस और चीन के बीच में कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है, तो रूस और चीन के बीच में आमूर नदी जो है, आमूर नदी आपकी सीमा बनाने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का हिस्सा है, 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 24वीं जो आपकी समानांतर रेखा है ये विवाद का हिस्सा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली अगर ये बात करी जाए तो ये आपके कच्छ की खाड़ी में गुजरात के एरिया में पड़ता है, गुजरात और पाकिस्तान, गुजरात राज्य जो है पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है कच्छ की खाड़ी में, वही आपका क्या है भारत से विवाद का एक विषय है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जिन देशों के साथ कजाकिस्तान अपनी भूमि साझा करता है उसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान किसके किसके साथ आपका भूमि साझा करता है वो बात ध्यान रखेंगे, तो इसमें अजरबैजान नहीं है एक्चुअली में, अजरबैजान जो है ना आपका, अजरबैजान कैस्पियन सागर से आपकी सीमा बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें आपका रूस है, इसमें आपका चीन है, इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान है, और इसमें एक देश और आ जाता है आपका उज्बेकिस्तान, क्या है आपका उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिएगा। ये सब सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का जब बंटवारा हुआ तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आपके बनकर के निकल के आते हैं। इसमें आपका रूस है कजाकिस्तान के साथ, चीन है, तुर्कमेनिस्तान और आपके उज्बेकिस्तान। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड एरिया कौन सा है, दक्षिण पूर्व एशिया का, तो एकमात्र आपका दक्षिण पूर्व एशिया का है लाओ, ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से ये आपका लैंड लॉक्ड है, वाटर का कहीं पर यहां पर एग्जिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड, अगर विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड बताया जाए तो वो है आपका बी कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। अब बात करता है इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती है, कैस्पियन सागर की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे कैस्पियन सागर को अगर कोई स्पर्श नहीं करती है तो वो आपका इराक है, ध्यान रखेंगे। अजरबैजान की राजधानी आपकी बाकू है, ईरान तेहरान, कजाकिस्तान का आपका अस्ताना राजधानी है, ध्यान रखेंगे ये तीनों आपके किससे हैं, तो ये तीनों आपके कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से क्या करती हैं, कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है। देखिए अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।